मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के बजे हुए हैं 5, मुझे उठे हुए हुई है 10 से 15 मिनट, और मैंने पी अभी चाय वगैरह, थोड़ा पानी वगैरह। और अभी मैं जाऊँगी किचन में, किचन में जाके मैं बनाऊँगी बच्चों का लंच वगैरह, हस्बैंड का। और आज लंच में क्या बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे, और दिन में आज क्या कुछ रहेगा वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी, तो बने रहना। मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और रेडी हो गई हूँ, अभी मैं जाऊँगी शोरूम पे, क्योंकि शोरूम पे जो अंकित को बिठा रखा आज, क्योंकि मार्केट गए हुए हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो वो अकेला, उसको मतलब थोड़ा सा भी कम नॉलेज है, तो मैं एक बार थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाके आती हूँ, फिर मेरे को वापस आना है, क्योंकि मुझे आज पार्लर का थोड़ा सा काम करना है। तो मैं चलती हूँ वहाँ पे, दिखाती हूँ आपको शोरूम पे पहुँच के। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ शोरूम पे और अभी आपको दिखाती हूँ। अभी शोरूम से शॉप पे, क्योंकि कस्टमर आ गई, और फिर मैं आपको उनके ना बाल वगैरह दिखाती हूँ कि बालों का टेक्सचर क्या है और क्या चीज़ है सारी चीज़ें। ये देखिए, अब हमें इन हेयर्स पे करनी है स्मूथनिंग, बट बाल है ना नीचे से बहुत ज़्यादा ड्राई, नीचे से पक्का है ना, डाई वगैरह नहीं की कुछ भी कभी, कुछ भी, क्योंकि फिर उसके हिसाब से अलग प्रोसेस होता है, और अगर मतलब वर्जन हेयर है तो अलग प्रोडक्ट यूज होगा। दो बार स्ट्रेट कर रहे हैं, नहीं उसमें कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि केमिकल वगैरह अगर यूज किया है तो वो क्लियर बता दो, सिर्फ शैम्पू शैम्पू, क्योंकि आप जितना मतलब साफ बताओगे ना फिर रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, सिर्फ शैम्पू शैम्पू। ठीक है, अभी हमें ना इनके हेयर पे करेंगे हल्के से, पूरे ड्राई नहीं करेंगे, ड्राई नहीं किया अभी, सिर्फ 80% हमने हेयर्स को ड्राई किया है। अभी इस पर हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हेड वॉश वगैरह करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा जिसमें कंफर्टेबल महसूस करे ना, मेरा यो सोच है कि मैंने कदे ना पहने, जब शादी हुई ना, जब या फिर एक बार तेरे दौर तैयार नहीं होकर गई थी, जब मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, देखा मेकअप करा था, जब पहनी थी पीती की मैं सूट, बाल करवाए थे मेकअप करवाया था, बस एक का बार पहनी थी, ब्लीच की तरह आओ इसकी। जो कस्टमर के साथ आई थी वो मुझसे पूछ रही थी कि आप रूट के साथ से जो है क्रीम वगैरह क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, तो जो केमिकल होते हैं, जो फर्स्ट क्रीम होती है, वो हमें रूट से 1 इंच छोड़ के ही लगानी चाहिए। माय
है बेचारी का कैमरा पकड़ा दिया आना था लोग ने एक बापड़े के नन्नू कर ले भाई ओके ऐसे कि मैं हूँ कैमरा मैन फिर वो बैक कैमरा फ्रंट कैमरा कर बंद करके फ्रंट कर ले वीडियो से हेलो गाइस तो आज की कैमरा मैन है माही है ना माही हाँ आंटी अपने पे कर कैमरा थोड़ा सा चलो गाइस जैसे आओगे ना मीना देखो गुम के दिया दो रस्सी लेंगे एक तो फेस पाउडर जो ये मेकअप करा ना वकीट नहीं होया छोटी बड़ी नहीं मेरी ले आ दी मेरे तो उसका वीएलसीसी का दरा था फाउंडेशन अभी हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर दी है अभी हम 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं इसका बॉन्ड वगैरह चेक करेंगे साथ साथ और शैम्पू स्टेशन पे ले जाकर हेड वॉश करेंगे देखते हैं बॉन्ड वगैरह इसका कितना टूटा है कितना नहीं तो फर्स्ट क्रीम को अप्लाई करने के बाद हमने 5 से 7 मिनट उसको रखा उसके बाद हमने बालों का बॉन्ड चेक किया कि वो रेडी है या नहीं और अभी किया हेड वॉश फर्स्ट क्रीम अप्लाई और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा कैमरा हाँ स्ट्रेट रख उसके बाद हमने उसका बॉन्ड वगैरह चेक किया फिर हेड वॉश किया हेड वॉश के बाद ड्रायर से हमने बालों को सुखाया और अभी चल रही है प्रेसिंग प्रेसिंग में ना बहुत पतले पतले लेयर निकाल के तब प्रेसिंग करते हैं स्मूथनिंग के लिए ताकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए तो गए जब भी चल रही है प्रेसिंग मैं बहुत ही फाइन सेक्शन निकाल निकाल के प्रेसिंग कर रही हूँ ताकि हमारा रिजल्ट बेस्ट आए और प्रेसिंग करने के बाद गए जब हमने बालों को 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद हमने सेकंड क्रीम न्यूट्रलाइजर अप्लाई किया ये है फाइनल लुक थोड़ा पास लेके ये देखो स्टार्टिंग में आपने देखा था बालों का कैसा टेक्सचर था बिल्कुल कर्ली हेयर थे और अब देखो तो गाइज आपको स्मूथनिंग का रिजल्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट